सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। न्यूज के सह प्रायोजक है बैद्यनाथ शंखपुष्पी, इसमें है ब्राह्मी जो बढ़ाए मेमोरी। आप देख रहे हैं MH1 न्यूज, मैं हूं पूजा और वक्त है अब पंजाब एक्सप्रेस का, जिसमें होंगी पंजाब की तमाम खबरें। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नशे के मुद्दे पर सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछले हफ्ते से नशे से संबंधित होने वाली मौतों के लिए चर्चा की। इन मौतों पर चिंता जताते हुए उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा। ये अधिकारी कैबिनेट को मौजूदा हालातों में NDPS एक्ट के तहत विभिन्न जांचों के स्टेटस और उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ का दावा है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने दावों के मुताबिक प्रदेश भर में नशाखोरी पर नकेल कसी है। लुधियाना में व्यापारियों के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के साथ ही नशा तस्करों की कमर टूट गई है, जिसके चलते नशे की लत में फंसे युवा गलत दवाओं को ले रहे हैं और उनसे उनकी मौतें हो रही हैं। जाखड़ ने कहा कि स्थिति को लेकर सरकार गंभीर है, इसे रोकने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। कैप्टन साहब ने चार हफ्ते का वायदा किया सी तो उन्होंने निभाया है। अज नशे की घाट करके लोग जड़े नौजवान जो नशे की लत दे विच पिछले 10 साल ने अकाली राज ने जिन्हां नूं नशेड़ी बनाता सीगा, वह अज इधरों उधरों कोई नकली दवाइया लैके जदा इस्तेमाल करते उन्हां दी आ जिहड़ी दर्दनाक उन्हां दी मौत हो रही है, वो वास्ते सरकार चिंतित है। जिथे असी नशे की सप्लाई रोकी है उत्थे जिहड़े आ इस किस्म के स्पूरियस जिहड़ी दवाइया लोग मिल रही हैं उन्हां नूं भी रोकिया जाऊगा। नशे के मुद्दे पर विपक्ष कैप्टन सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष सुखपाल सिंह खैरा ने नाभा के गांव महसा का दौरा किया, सियासत का जायजा लिया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने सुखपाल सिंह खैरा के गांव महस के दौरे को लेकर निशाना लिया। उन्होंने साधु सिंह धर्मसोत को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। बिल्कुल स्वागत है, अपोजिशन का लीडर है वो, भावें शाहकोट से उन्होंने वोटा सिर्फ 1905 और अपोजिशन का लीडर आवे जिथे मर्जी जाए आजाद हिंदुस्तान है। पर लेकिन खैरा साहब को पूछना चाहना, रोड़ी मौड़ा तो सरपंच साहब ने इन दे चहेते ने आम पार्टी का बंदा सी, इना दा लाडला सी, उहदे 700-800 बूटे शैलर दे विच अफीम के डोडिया के लाए हुए थे, जेड़े पिछले समय सरकार ने फड़ के पुलिस ने उते मुकदमा दायर करके जेल च भेजे, अज भी जेल च है। खैरा साहब उन्हूं भी मिले हुण भाई, जे तो मंजूरी दी है तां भी दस देण, जे अपने आप उन्हें राय ने तां भी दस देण। जीएसटी को देश में लागू हुए एक साल हो गया है। केंद्र सरकार पूरे देश में ईमानदारी के तौर पर जीएसटी दिवस मना रही है। जीएसटी को लेकर शिरोमणि अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा का कहना है कि जीएसटी से हर वर्ग को फायदा हुआ है। पंजाब के नवांशहर में पहुंचे प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी में और सुधार कर रही है, जिससे लोगों को फायदा हो सके। जीएसटी का ही इको टैक्स आ, जीएसटी जो हम वे ऑफ वर्किंग का है पूरे नहीं, बल्कि जीएसटी अभी होर सौखी बनाने ली। जीएसटी के स्लैबा हम चार ने, अभी कोशिश कर रहे हैं भी स्लैबा तीन रहन, 28% वाली स्लैब खत्म होनी चाहिए, तो 5, 12, 18 तीन स्लैबा ही होनी चाहिए। ये
जीएसटी के साल पूरे होने पर कांग्रेस विरोध कर रही है। अमृतसर में जीएसटी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जीएसटी की वजह से जनता की कमर टूट गई है, जीएसटी से देश को नुकसान हुआ, आने वाले चुनाव में जनता जीएसटी का जवाब देगी। आज देश जीएसटी का मातम मना रहा है, देश आज जीएसटी का गम मना रहा है। आज मातम जो पसरा है पूरे देश में, आज देश के जो तबाही का कारण है, देश के जो कारोबार का कारण है, देश की जो बर्बादी का कारण है, वो जीएसटी का है। आज केंद्र की सरकार का, नरेंद्र मोदी की सरकार का और जीएसटी का आज कांग्रेस ने पुतला जलाया है। ये पुतला स्वाभाविक नहीं है, ये तमाम उन उम्मीदों को जिसने देश को बर्बाद किया है, उन लोगों को जिसने देश को तहस नहस किया है, आज उनका पुतला जलाया गया है। और मैं महसूस करता हूं कि देश की बर्बादी का पहला नाम जीएसटी है और देश की बर्बादी का दूसरा नाम बीजेपी सरकार है। तरन तारण में गुरु अर्जन देव खेल स्टेडियम की हॉकी एकेडमी टीम ने विवादों में चल रहे डीएसपी दलजीत सिंह ढिल्लों के पक्ष में प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने दलजीत सिंह को लेकर कहा कि वो एक अच्छे इंसान है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जाँच की जानी चाहिए। गौरतलब है कि डीएसपी दलजीत सिंह ढिल्लों पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें जाँच होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। सानू ट्रेनिंग देंगे सके, मतलब 6-7 साल तो साढ़े नाल तरन तारण अकैडमी जुड़े हुए हैं। उन्होंने उत्ते जिन्हें भी ड्रग्स वगैरह के मतलब इल्जाम लगाए जा रहे हो झूठे ने, क्योंकि उन्होंने सानू शुरू तो प्रैक्टिस कराई थी, उन्होंने सानू कदे नहीं मतलब असी नाल रहिंदे सानू नहीं पता उन्होंने बारे कि उन्होंने सानू कदे नहीं कहा है कि तुम ड्रग्स का करो कुछ भी, वो वधिया सिखाते थे शुरू तो सानू, उन्होंने कदे नहीं कहा। ट्रेनिंग सैशन के सारा वधिया किया, उन्होंने जिन्हें भी नाम लगाया जा रहे सारा झूठा वा, जिहड़ी वो कुड़ी वो भी झूठ बोल रही है। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਕੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਿੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। बरनाला के धनौला कस्बे में पुलिस ने एक ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया और पुलिस ने महिला के पास से 14,65,000 की नकली करेंसी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि गिरोह एक प्राइवेट बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। अपना एचडीएफसी बैंक कौला पार्क संगरूर का मैनेजर दसदा सी ते उहदे नाल दो लड़कियां रखियां होईयां सीआं ते उह मतलब लोकां तों लोन कराउण दे बहाने पैसे इकट्ठे करदा सी। 25-30 बंदे भैणी दस्सा दे सी जिन्हां तों इसने कलैक्शन कीती सी ते बाद विच जिहड़ी उहदे नाल दी लड़की सी संदीप कौर नाम दी मुकदमा दर्ज करन तों बाद उहनूं गिरफ्तार कर लिया। उहदे कब्जे चों 14,65,000 रुपए की करंसी जिन्हां दे चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा होया बरामद की है। अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान से आई नशे की खेप को बरामद किया है। बीएसएफ की एक टीम ने फोरेंसिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद से सीमा पार से आई नशे की खेप को पकड़ लिया। बीएसएफ को 3 किलो के करीब नशीला पदार्थ बरामद हुआ जिसे पाकिस्तान से तस्करी कर लाया गया था और उसे एक खेत में छिपा दिया गया। बीएसएफ के कमांडेंट
आरसी शर्मा ने बताया कि अभी इस मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच के बाद गिरफ्तारी संभव है। एनसीबी से हमें इन्फॉर्मेशन मिला था और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो चेकिंग वगैरह किए गए तो उस चेकिंग में एक जो पट्टा है जो है हम लोगों ने सीज किया है, बेसिकली प्योरली एनसीबी बेस्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर। उसके अलावा कल शाम को जो है हम लोगों को एक मूवमेंट नजर आया था कैमरे के द्वारा और रात को चेकिंग की गई तो रात को तो कुछ मिला नहीं। अगले दिन सुबह फिर डिटेल सर्च किए गए तो डिटेल सर्च के दौरान दो पट्टे जो है जमीन के अंदर चक्की नाला के आगे कक्कड़ में दबे हुए पाए गए और जब इनको जो है तीनों के तीनों चीजों को जो पुलिस सरपंच गांव के जो बुजुर्ग लोग या रिस्पेक्टेड लोग हैं उनके सामने खोला गया तो इनके अंदर सस्पेक्टेड हेरोइन था जो कि आपने भी देखा। खन्ना के मंडी गोविंदगढ़ से लापता पिता और उनके दो बच्चों के शव भाखड़ा नहर से बरामद किए गए। मृतक कुलदीप सिंह और उनके दो बेटे अमनदीप सिंह और तनवीर सिंह पिछली 28 तारीख से लापता थे और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस ने लिखवाई थी। पुलिस के मुताबिक मृतक कुलदीप सिंह आर्थिक तंगी से परेशान था और इस वजह से उसने अपनी जान दे दी। पुलिस उनके परिजनों के बयान पर मामले की जांच कर रही है। मृतक कुलदीप सिंह के भाई लखबीर सिंह ने बताया कि कुलदीप लंबे समय से पैसों की कमी के चलते परेशानी में चल रहा था और इसी वजह से वो तीन दिन पहले घर से चला गया था। फिरोजपुर में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। 15 साल की नाबालिग दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 60 साल के व्यक्ति पर यह आरोप लगा है। जब लड़की घर पर अकेली थी तो उस वक्त आरोपी घर में घुस आया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मैं मेहनत कर गई हाँ, मेरे फिर तो आदमी नहीं ते बच्चे छोटे ने जी, बच्चे छोटे ने मेहनत कर गई। मैं आके वेख्या किस तरह पता लग गया जो तो मैं छामा कार आई ओदा आके वेख्या तो बंदा मेरे सामने मेरे को निकल कुड़ी अंदर रोन लगी खड़ी उची उची। मैं जी फड़िया निकल गया मेरे इतों निकल के मेरे फांसी का हुक्म होना चाहिए इन ये सरकार तो ये मंग मंगने। लड़की मूवी सी जन्म तो भी बेचारी थोड़ी सिद्ध मत जी सी बच्ची सी एक पिंड का ही उन्हें उस जबरदस्ती की है जिसे संबंध में अं मुकदमा नंबर 163 मिति 24/18 अंडर सैक्शन 376/350 IPC 3/4/6 POXO Act 212 अमृतसर में पुलिस ने चोर गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 29 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं 2 बाइक भी आरोपियों से बरामद की गई है। ये आरोपी धार्मिक स्थलों से मोबाइल चोरी करते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमृतसर के जहाज गढ़ में मोबाइल बेचने की फिराक में थे, उसी वक्त पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। वहीं मोबाइल खरीदने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। ये बंदे जेडे बंद ग्रुप है, एक बंद होर है दिल्ली तो हैरी नाम का, यह गैंग बनाया हुआ अपना गैंग बना के धार्मिक स्थानों तो यह मोबाइल जेडे लोग समझते उन्होंने चोरी करके ला जाते हैं और कुछ ट्रेन जे लोग माता दे जाते हैं दरबार से जाते हैं और रस्ते इन्होंने मोबाइल जेडे जेबा चु कहते कोई चार्ज वास्ते चार्जिंग वास्ते लगया वह कहते हैं और माता दरबार आदि कुआरी तो जाके भी ये लोग थके हारे जाते उतने मोबाइल चोरी करते हैं। ये आप 28-29 मोबाइल बरामद किए हैं, इन्होंने 5-6 मोबाइल यहोजे ने जोड़े अगे बेचे हुए थे इन उतों रिकवर किए हैं। ये नीरज नाम का लड़का है अपने फतेहगढ़ चूड़िया रहा वो को रिकवर किए हैं अपना तो अरैसट किया गया। तरन तारण में पुलिस के CIA स्टाफ ने माल मंडी इलाके की एक कोठी पर छापा मारा जहां से करीब 1000 अवैध शराब की पेटियां बरामद हुई। एक्साइज विभाग ने शराब की पेटियों को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है।
ਸੀਗੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਝਬਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਮਤਾ ਨਿਕੇਤਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਲ 979 ਪੇਟੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 180 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 अमृतसर में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया। घटना छेरहाटा के अधीन पड़ने वाले नारायणगढ़ इलाके की है। आरोप है कि कुछ पुलिस कर्मचारियों ने मामूली कहासुनी के बाद युवक को पिस्तौल की नोक पर अगवा कर मारपीट की, साथ ही उसे नाजायज तरीके से हिरासत में भी रखा। वहीं जब पीड़ित ने पुलिस कर्मचारियों की शिकायत थाने में की तो उनकी शिकायत सुनने की बजाय उसके साथ बदसलूकी की गई। फिलहाल मामले के तूल पकड़ता देख पुलिस आला अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੰਜ ਪੀਰ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸੀ ਏ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਤਰ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਚੱਲ ਪਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਛੇ ਮੁੰਡੇ ਸੰਗਲੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਨਾਲ ਕਿਰਚਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਛੇੜਾ ਚੌਂਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਮੁਝੇ ਦੀਜੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।